स्टडी के पैकेज हैं उनकी फ़ी कैसे डिसाइड करते हैं, स्टार्टिंग में कितने कोर्सेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर एक छोटा सेटअप स्टार्ट करना है तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक आप बहुत अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो 8 से 10 दिन उसके साथ बहुत मेहनत करना होता है। 7,000-8,000 के आसपास पर डेस्क आपका तैयार होता जाएगा, जो आगे के लिए मेंटेनेंस फ्री है। तो प्रोग्रामिंग कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स है और कंप्यूटर बेसिक कोर्स है। उसके लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डुअल कोर 4GB 128GB SSD के साथ में भी आपका ये ऑपरेटेड हो जाएगा। मिनिमम 10 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होने चाहिए। उसके अलावा आपकी लाइट फैसिलिटी, इन्वर्टर्स, सोलर यूनिट्स या जनरेटर्स। सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं राठी कंप्यूटर्स नेटवर्क बिजनौर। हेलो सुशील जी। हेलो सुशील जी, आज के समय में कोई भी प्रोफेशन कोर्स हो या कोई भी प्रोफेशन में जॉब हो, कंप्यूटर के बिना अधूरी है। तो क्या आज की तारीख में जैसे बच्चे फ़ोन, स्मार्टफोन पैदा होते हैं, कुछ साल बाद अपने आप चलाना सीख जाते हैं, तो कंप्यूटर वगैरह भी लगभग सीख जाते हैं, तो आज की तारीख में कंप्यूटर सेंटर चलाना अच्छी बात है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है कंप्यूटर सेंटर ऑपरेटेड रखना। ये एक रेगुलर, अभी जैसे लॉकडाउन आया है, जैसे नोटबंदी के समय पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आई थी, तब से बहुत ज़्यादा पीक पे है। मतलब बहुत अच्छे से उस टाइम से स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। अभी क्या है, इस बार सी टेट और बी एड ने भी अपना जो है, यूपी टेट ने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया है। तो सी टेट तक वाले आए जिन्होंने कंप्यूटर्स नहीं सीखे थे, हमें कल पेपर देना है, परसों पेपर देना है, ट्राई कराइए। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, यही मैं वो, क्योंकि किसी भी, मैं जैसे मैं भी जॉब करता था पहले, तो उसमें भी ज़रूरी है। या किसी भी, चाहे कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ नया पढ़ना हो, तो तुरंत लैपटॉप खोलेगा, सर्च करेगा, पीडीएफ फाइल्स निकालेगा या कुछ और पढ़ेगा, विकिपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ इस पर अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ सकता है। लेकिन सर, अगर स्टार्ट करने की बात करें तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट क्या, देखो कंप्यूटर्स के अपने में 4 फील्ड हैं। शुरू में ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप कार मैकेनिक में चले जाओ, इलेक्ट्रिशियन अलग होता है, टायर पंचर बनाने वाला अलग होता है, डेंटर पेंटर अलग होता है। कंप्यूटर में भी सेम 4 फील्ड हैं। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति आपकी प्रिंटिंग का कार्य कर रहा है, एक ही व्यक्ति अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है, एक ही व्यक्ति प्रोग्रामिंग कर रहा है, एक ही व्यक्ति उसको रिपेयर कर रहा है। 4 फील्ड हैं, बच्चे को समझना पड़ेगा चारों फील्ड को, अपने की कैपेबिलिटी जाननी पड़ेगी, अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि उसको किस फील्ड में जाना है। उससे पहले लेकिन कंप्यूटर का एक बेसिक है, कंप्यूटर की जो प्राथमिक सीढ़ी है, प्राइमरी स्टेज है, कुछ बेसिक से कोर्स हैं वो उनको सीखने पड़ेंगे। जस्ट लाइक नोट पैड, वर्ड पैड, एम एस वर्ड, पेंट, उनसे क्या है, उसमें स्टार्टिंग अप आएगा। उसके बाद उसको सोचना है, जब वो कंप्यूटर बेसिक कर लेता है, उसके बाद उसने सोचना है कि उसको फील्ड, अपना कैरियर कौन से फील्ड में बनाना है। अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए टैली सीखेगा, प्रोग्रामर बनना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखेगा, C++, विजुअल बेसिक, जावा, .NET, PHP। अगर उसको प्रिंटिंग के फील्ड में जाना है, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, होल्डिंग बैनर्स, बुक प्रिंट्स होती हैं, मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट्स होता है, तो उसको DTP सीखना होगा। अगर वो रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखता है, नेटवर्किंग रिपेयरिंग आजकल बहुत अच्छा फील्ड है लड़कों के लिए, तो इतनी सारी MNCs कंपनीज हैं, सब में इंजीनियर्स होते हैं कि हार्डवेयर इंजीनियर, तो उसको रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, ये सीखना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जाना है। लेकिन पहले उसको कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि शुरू में ऊपर की सीढ़ी पे जाएगा वो। सर, आपने जैसे बेसिक कोर्सेज, प्रोग्रामिंग, टैली, अकाउंटिंग वगैरह की बात करी, तो सर स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए एफिलिएशन कहाँ से लेना पड़ेगा? एफिलिएशन का क्या है सर, एफिलिएशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, MSME से, ठीक है ना, इनसे हमें एफिलिएशन लेना होता है। ISO सर्टिफिकेशंस भी हम लेते हैं इसमें। इसमें कई सारे हमारे सर्टिफिकेशंस हैं जहाँ से हम लोग ऑथराइज हो जाते हैं, ठीक है, NSI होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से हम लोग अप्रूव्ड होते हैं, वहाँ से हम एफिलिएशन लेते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब जी? तो उसके एवज में क्या है, कुछ कंपनी अपने आप में रजिस्टर्ड हैं जो अपनी फ्रेंचाइजीज मार्केट में देती हैं, अपने सेंटर एफिलिएटेड करती हैं, और सर्टिफिकेट्स और बच्चे का जितना भी डेटा है वो अपने पास ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन रखती हैं, ऑफलाइन भी रखती हैं, और आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स कराती हैं। तो उससे क्या है कि हमारा एक सेक्टर बच जाता है कि हम एफिलिएशन के उन चीज़ों में
प्रोसेस में ना पढ़ के पढ़ाने में रहते हैं और हम ऑनलाइन प्रोसेस में चले जाते हैं। तो क्या सर इन फ्रेंचाइजी के कोई क्राइटेरिया भी होते हैं कि आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए, आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मिनिमम 10 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होने चाहिए। उसके अलावा आपकी लाइट फैसिलिटी, इन्वर्टर्स, सोलर यूनिट्स या जनरेटर्स, ठीक है ना, आपके एयर की क्या व्यवस्था है, ठीक है ना, और आपका जो स्टडी रूम है वो अलग होना चाहिए, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होनी चाहिए, लैब अलग होनी चाहिए, फैकल्टीज़ आपकी DDP की फैकल्टी अलग होना चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो कोर्स कराएं, प्रोग्रामिंग का जो कोर्स कराएं उनके लिए अलग प्रोग्रामर वाला टीचर होना चाहिए, जो कंप्यूटर बेसिक कराएं उनके लिए अलग फैकल्टीज होना चाहिए। सर आपने अलग अलग फैकल्टी के बारे में बात करें, लेकिन जब फैकल्टी हायर करें तो क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए कि हमें इस तरह की फैकल्टी हायर करनी है? देखो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जिस फील्ड के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं, सपोज़ कर हमने DTP के लिए फैकल्टी हायर करना है, तो उसको DTP में पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, एलोस्ट्रेटर, हिंदी टाइपिंग, जो उसके चार फील्ड हैं वो उसको आते हैं या नहीं आते, ठीक है। दूसरी उसका मेथड कैसा है बच्चे का, जो टीचर है वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट किस बिहेव में कर पा रहा है, तो ये चीज़ें जाननी चाहिए। उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो भी हो उसके अनुसार उसको हायर करना चाहिए। सर आपने इलस्ट्रेटर, कोरल वगैरह की भी बात करी, सर ये काफ़ी हाई एंड पीसीज में यूज़ होते हैं? बिल्कुल, ये नॉर्मल आप लो एंड पीसीज यूज़ करेंगे तो उसमें नहीं चल पाएंगे, तो आपके पास पीसी कैसे होनी चाहिए? देखो उसके लिए आपके ग्राफिक्स कार्ड बेस्ड i3 i5 सिस्टम्स होने चाहिए, जो DTP कोर्स है उसके लिए से। बाकी जो आपका प्रोग्रामिंग कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स है और कंप्यूटर बेसिक कोर्स है, उसके लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डुअल कोर 4GB 128GB SSD के साथ में भी आपका ये ऑपरेटेड हो जाएंगे। जब आप लैब लगाते हैं कोई भी, उस समय पे जब भी कोई आप प्लानिंग करते हैं कि एक कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं, पहले जगह की व्यवस्था, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, ये चीज़ें, वहाँ पर लाइट फैसिलिटी कैसी है, कहाँ कितना कम्युनिकेट हो रहा है एरिया, कितने लोग उस शहर को विजिट कर रहे हैं, उस प्लेस को विजिट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि तीन तरीके से आप अपनी लैब तैयार कर सकते हो, पहले तो आप सारी डेस्क पे कंप्यूटर्स लगा सकते हो, जैसे 10 कंप्यूटर्स चाहिए तो आप 10 के 10 कंप्यूटर्स लगा सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा और मेंटेनेंस भी बढ़ेगा क्योंकि 10 कंप्यूटर्स हैं, और सबसे बड़ा है कि आपका मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपका लाइट कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो उसके सपोर्ट के लिए दूसरा नंबर पे हम जाते हैं कि हम लगा सकते हैं फिर लैपटॉप्स, उसमें हमारा लाइट एफिशिएंसी है, लाइट का कंजप्शन कम है, यानी कि मंथली एक्सपेंसेस हमारे घट जाएंगे वहाँ पर। लेकिन हमें एक इशू आएंगे कि लैपटॉप्स के साथ बच्चे थोड़ा सा, कई प्रकार के बच्चे आते हैं तो उनको बहुत गाइडेंस देना होता है। तीसरा हम लोग थिंक क्लाइंट की तरफ जाते हैं, एक डर्म टर्मिनल आता है दैट इज़ कॉल्ड थिंक क्लाइंट, वो कंप्यूटर सेंटर्स, स्कूल्स, कंप्यूटर लैब्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि आप एक मेन सर्वर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, 30-35-40 हज़ार रुपये का हाई एंड बना लेंगे मेन सर्वर को, बाकी सब नेटवर्किंग के थ्रू आपका पर डेस्क टर्मिनल लगते जाएंगे, कीबोर्ड, माउस एंड LED, दैट इज़ 7000-8000 के आसपास पर डेस्क आपका तैयार होता जाएगा, जो आगे के लिए मेंटेनेंस फ्री है। यानी कि आपको एक मेन सर्वर को मेंटेनेंस करना है, बाकी जो बच्चों के लिए आपने गेस्ट टर्मिनल लगाया है जिस पर बैठ के बच्चे काम करेंगे, उसमें आपका 8000 रुपये में मेंटेनेंस जीरो है, और लाइट एफिशिएंसी उसमें 5 वोल्ट 1 एम्पियर से वो चलता है, तो लाइट एफिशिएंसी ऐसा है कि ना के बराबर है। सर आपके कहने का मतलब कि अगर कोई भी कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करता है तो उसे थिंक लाइन सर्वर पूरा बनाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा और इकोनॉमी भी पड़ेगा। उसके अलावा सर आप बात कर रहे हैं कि प्लेस की भी बात कर रहे हैं, तो कैसा प्लेस होना चाहिए सर, कितने कैसे एरिया में होना चाहिए, क्या कॉलोनी वगैरह में हो सकता है या फिर किसी ऑनलाइन पे? सबसे पहले तो देखो साइलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया ना हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, लोगों का आना जाना ना हो बहुत ज़्यादा, वैसे जैसे अभी क्लासेस चल रही हैं बीच बीच में कोई आता रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा, एकाग्रता बच्चे की भंग हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा बच्चा जब आता है सीखने के लिए, ये फ्रीलांसिंग कोर्स है एक तरीके से देखा जाए तो, कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको सीखना ही है, उत्सुकता जगाई जाती है बच्चे की, उसको इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। अब
उस कंडीशंस में बच्चे की हर समय, जैसे पहला सॉफ्टवेयर ख़त्म होता है तो हम बच्चे को बोलते हैं बेटे अभी दूसरे सॉफ्टवेयर में और बहुत कुछ बेहतर है, अभी आप दूसरा सीखिएगा। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो 8 से 10 दिन उसके साथ बहुत मेहनत करना होता है। मेहनत तो आखिर तक है, लेकिन वो 8 से 10 दिन, जैसे हम लोग उर्दू सीखने चले जाएँ तो शुरू में समझ में नहीं आएगा, हम 3-4 दिन में ही सोचेंगे यार छोड़ो नहीं, ये नहीं सीखना, भाग लेते हैं। ऐसा इसमें भी होता है, जब बच्चा आता है तो हमें 8-10 दिन उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पैदा करना होता है। माउस तक उसको चलाना नहीं आता तो सब कुछ चीज़ें सिखानी होती है कि बेटा ये लेफ़्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, उसको हर वे में बड़े प्रेम से ट्रीट करना होता है, अच्छे से उसका इंटरेस्ट पैदा करना होता है। सर अगर बात करें कोर्सेज की तो स्टार्टिंग में कितने कोर्सेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं? देखो आप 3 कोर्सेज के साथ कीजिए। चलो आप चौथी फैकल्टीज नहीं रखना चाहते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग वाली फैकल्टी है उसके लिए बच्चे हो जाते हैं बीटेक, एमटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, तो वो थोड़ा सा हाई एंड हो जाता है। उसके लिए आपको फैकल्टी भी फिर उसी शहर के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आप उस एक कोर्स को अभी छोड़ दीजिए स्टार्टिंग में, बाकी आप शुरू में डीसीए शुरू कीजिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर्स का बेसिक है, सबसे शुरू का फंडा है, फंडामेंटल्स है। उसके बाद आप एडीसीए शुरू कीजिए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें क्या आपका अकाउंट्स आ जाता है। DTP शुरू कीजिए, अभी मैंने बताया आपको कि DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन बहुत बढ़िया है, जो मतलब 8th 10th भी हैं आप उनको भी कैरियर में दे सकते हैं। हार्डवेयर शुरू कीजिए, कंप्यूटर रिपेयर करना, नेटवर्किंग करना, उसके लिए भी आप 8th 10th से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बस आपको बेसिक फंडेज और जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। और सर अगर बात करें एक मिनिमम के छोटे सेटअप की तो कितनी पूंजी के साथ वो एक छोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी फैकल्टी ज़रूरी है? देखो अगर एक छोटा सेटअप स्टार्ट करना है तो 2.5 से 3.5-4 लाख रुपए तक आप बहुत अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सेटअप स्टार्ट करने के साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप बाउंडेड हो जाएंगे। आप सेटअप तभी स्टार्ट करें जब आप बाउंडेड हो सकते हो, मतलब बाउंडेशंस हो सकती हो, मतलब बच्चा पूरे बैच में एक भी नहीं आए लेकिन टीचर को क्लास में रहना है। यानी कि आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके फंक्शंस हैं दिन वाले तो उनको थोड़ा डिलेट करना पड़ेगा, तो आपको बाउंडेड ज़रूर होना पड़ेगा। जिस दिन आपने बाउंडेड होना सीख लिया आप कंप्यूटर सेंटर रन कर सकते हैं। सर ये तो किसी भी बिजनेस में है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर आए या ना आए, ग्राहक आए या ना आए, लेकिन आपको वहाँ मौजूद होना ही होगा, तभी आपका काम चलेगा। और लॉस का तो है ही नहीं सर, कोई भी बिजनेस लॉस का नहीं होता। लॉस जब होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट नहीं करते हो। अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो डेली के डेली या 15 डेज या 10 डेज में, तो लॉसेस का तो मतलब ही नहीं है। कोई भी बिजनेस लॉस का नहीं होता, तभी लॉस आता है जब आप उसके कैलकुलेट नहीं करते हो, यानी कि 10 कमाए 9 लगा दिए तो लॉस चला जाएगा। बिल्कुल। और सर अगर पैकेज, जैसे जो स्टडी के पैकेज हैं उनकी फ़ी कैसे डिसाइड करते हैं? फ़ी तो देखो, जैसे पीछे से अगर हम हेड ऑफिस से बात करें तो वो तो 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ मंथली डिसाइडेड रखते हैं। लेकिन आप अपने सिटी के एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्या वहाँ पर आजीविकाएँ हैं लोगों की, क्या वो पे कर सकते हैं, 300 रुपीज़ 250 रुपीज़ 400 500 रुपीज़ तक भी आप मंथली फीसेस पे जा सकते हैं। उतना आदमी आज के ज़माने में किसी भी एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए दे सकता है। तो वो आप वहाँ का अपना, अपने शहर की लोकेलिटी देखिएगा, वहाँ पर कैसी आजीविकाएँ हैं लोगों की, उसके अनुसार अपना एक डिसाइडेशन रख सकते हैं कि हमारा फीस ये हो। सर जैसे आपने बताया, पूरी जानकारी दी, आपने कोर्स डिसाइडेड कर लिए, फैकल्टी हायर कर ली, उसके बाद जब अगर बात करें कि जब सर्टिफिकेट देते हैं किसी भी स्टूडेंट को, उसके कोर्स पूरा होने के बाद अगर सर्टिफिकेट देंगे तो वो कैसे देंगे, कहाँ से वो एफिलिएट होगा? देखो जो जैसे आप लोग पहले एफिलिएशन के लिए जाएंगे, मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, MSME से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, फिर अपना कंप्यूटर सेंटर रन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग बेस में आप उतने सारी चीज़ों में ना पढ़ के, आप जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो अपनी फ्रेंचाइजी मार्केट में डिवाइड करती हैं, बांटती हैं, उनके द्वारा जा सकते हैं, तो आपकी आधी सिरदर्दी कम हो जाएगी। अभी वो आगे अगले आने वाले प्रोसेस में आप उसमें जा सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ईमैक्स इंडिया है, ठीक है ना, और BSES है, बहुत सारी हैं जो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स एफिलिएशन देती हैं कि आप एफिलिएटेड हो जाइए। आपको वो पूरा वैलिड देखेंगे, आपकी एरिया है नहीं है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है नहीं है, फिर आप जो है, फिर आप एफिलिएशन के लिए जाएंगे तो उनको टोटली देख लीजिएगा, उनका सारा ऑनलाइन है नहीं है, आपका फीस ऑनलाइन जाता है, आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जाते हैं। जब आपका बच्चे का सर्टिफिकेट आता है तो पहले हमारे पास कॉपी आता है ऑनलाइन में,
फिर वो हार्ड कॉपी भेजते हैं हमारे पास, और हार्ड कॉपी भी ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें भेज दिया तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। उनका पूरा एड्रेस, HOD, हेड ऑफिस का बारकोड, एंड वहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट भी है, बच्चा वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कर सकता है, स्टडी भी कर सकता है, उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड भी उसको मिलता है। अगर बच्चा घर पे बैठ के पढ़ना चाहता है, नहीं आ पा रहा है किसी दिन, तो वो ऑनलाइन भी क्लास ले सकता है। तो वो तो इनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनीज हैं, वो उन्होंने अपनी जब फ्रेंचाइजी देते हैं तो हमें अपने यूज़र नेम पासवर्ड्स भी देते हैं। सर आपने ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करी, और जब से कोरोना आया है ये ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपने आपने सेंटर खोल लिया और ऐसा कुछ हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे चला सकते हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जूम ऐप पे या इनके अपने वेबसाइट्स पे यूज़र आईडी पासवर्ड देके हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हमने ली हैं पीछे, और हम रन कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ सुशील राठी जी, जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर के ऊपर हमें पूरी जानकारी दी। नमस्कार सुशील जी। थैंक यू सर।